रजनीकांत सर एंड क्या हम ये दोनों थलाइवा को एक साथ ऑन स्क्रीन देख पाएंगे कभी मेरी जिंदगी की ये एक यू नो ओनली वन विश दैट आई हैड दैट इफ देर इज वन पर्सन आई वॉन्ट टू वर्क विद बिफोर माई द एंड ऑफ माई करियर इट वॉज थलाइवा थलाईवन दैट इज रजनी सर यू नो रजनी सर के साथ मैं काम कर चुका हूँ दोबारा मौका मिलेगा तो कभी ना नहीं कहूँगा लेकिन वो ओरिजिनल थलाएं ये फ्रॉम अ वेब सीरीज़ परस्पेक्टिव ओ के पॉइंट ऑफ व्यू के थलाइवा है बिकॉज़ आई थिंक लोग आज भी अन्ना ही बुलाते मुझे और मैं मैं खुश हूँ अन्ना क्योंकि अन्ना के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है बड़े भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या तो जगत के वो थलाइवा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन Uh, थलाई वो ही रहेंगे एंड दैट दैट्स व्हाट आई वुड विश मेरा सवाल uh, मैं धारावी में इतना बिजी रहा हूँ कि क्या हेरा फेरी हुई है हेरा फेरी में मुझे पता ही नहीं <laughs> तो ये हेरा फेरी जानने के लिए मुझे दोबारा हेरा फेरी के प्रोड्यूसर के बाद जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा कि अक्षय और आपके बीच में क्या हेरा फेरी हुई <laughs> तो ये हेरा फेरी के चक्कर में नहीं पता नहीं मुझे जेन्यूनली नहीं पता और बीस तारीख के बाद जाऊंगा बैठूंगा और समझूंगा और जानूंगा कि क्या हेरा फेरी हुई है तो आप चाहेंगे कि ओरिजिनल कास्ट ही हो इस फिल्म में मैं चाहूंगा कि हेरा फेरी नहीं हो लेकिन हेरा फेरी बने जरूर थैंक यू हाय वन हाय क्या कमाल के शब्द हुई है शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड सुनील सर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि यू नो थलाइवा की जब हम बात करते हैं तो एक नाम जो हमारे जहन में आता है वो है रजनीकांत uh, सर का वेल well, उनको शाहरुख ने भी ग्लो, ग्लोरीफाई किया है एज़ यू नो थलाइवा अब uh, जब आप इस फिल्म में थलाइवा का किरदार निभा रहे हैं तो आपको भी एज uh, अ थलाइवा हम जानेंगे वेल आई जस्ट वॉन्ट टू नो अबाउट योर इक्वेशन विद द ओरिजिनल थलाइवा एंड क्या आप यू you नो know, ये थलाइवा उसके साथ काम करना चाहेंगे इन फ्यूचर जी सॉरी uh, <laughs> so, um, you know, uh, हम आपको भी थलाइवा के यू नो एज जाना जाएगा सो आई वॉन्ट टू नो अबाउट द इक्वेशन विद